बहुत ही कम खर्चे में ऐसी मिक्स नमकीन बनाएंगे कि मार्केट के नमकीन को तो भूल ही जाएंगे और महीना भर के लिए स्टोर करके जब भी मन चाहे तभी इसे हम खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट जैसा मिक्स नमकीन बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं मार्केट से भी बढ़िया मिक्स नमकीन। एक कप साबुत मसूर लिया है, इसे दो बार अच्छे से पानी से धो लिया था और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के पानी में इसे ओवरनाइट भिगो के रखा था और आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से भीग गया है। इसे हम दो बार अभी अच्छे से पानी से धो लेते हैं ताकि इसमें हमने जो बेकिंग सोडा डाला है वो निकल जाए। मसूर को अच्छे से धो के इसे मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया है। इस तरह से इसे हम 5 मिनट रखेंगे ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। एक कप चना दाल ली है, इसे मैंने अच्छे से दो बार पानी से धो लिया था और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के इसे भी पानी में ओवरनाइट भिगो के रखा था और आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से भीग गई है। अभी इसका पानी निकाल लेते हैं और दो बार इसे अच्छे से पानी से धो लेते हैं ताकि इसमें हमने जो बेकिंग सोडा डाला है वो सारा निकल जाए। चना दाल को भी स्ट्रेनर में निकाल दिया है और इसे इसी तरह से रखेंगे 5 मिनट ताकि इसमें से पानी निकल जाए। मैंने यहाँ पे मसूर और चना दाल दोनों में बेकिंग सोडा डाल के इसे ओवरनाइट भिगोया है। बेकिंग सोडा डालने से चना दाल और मसूर हम फ्राई करेंगे तभी ये एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। एक साफ नैपकिन ले लिया है, इसके ऊपर हम मसूर डाल देंगे। नैपकिन से इसका पानी सुखा लेते हैं। इस तरह से पानी पोंछ लेना है, इस तरह से फैला के इसे पंखे के नीचे रख देंगे 2 घंटे के लिए। हमें मसूर को पूरा सुखाना नहीं है, सिर्फ ऊपर का पानी सूख जाना चाहिए, तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसी तरह से चना दाल को भी हमें सुखाना है, इसे भी नैपकिन के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से इसका भी पानी थोड़ा पोंछ लेंगे और इस तरह से फैला के इसे भी 2 से 3 घंटे के लिए सूखने देंगे। थोड़ी सी खाली पानी सूख जाए ऊपर का, तब तक हमें इसे सुखाना है। मसूर और चना दाल को 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे मैंने रख दिया था और इसका पानी जो है वो सूख गया है। इसे हमें बहुत ज्यादा सुखा के नहीं लेना है, अगर ये एकदम ड्राई हो जाएगा तो फ्राई करने के बाद ये कड़क बन जाएगा, तो हमें सिर्फ ऊपर का उसका पानी ही सुखाना है। फरसान की सेव बनाएंगे। 1 कप बेसन लिया है, ये 100 ग्राम बेसन है। 1/8 टीस्पून हींग, 1 पिंच जितनी हींग डाली है, 1/2 टीस्पून नमक, 1 पिंच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं डालना है, 1 टीस्पून तेल डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेते हैं। बेसन मैंने छान के लिया है, आपको मैं पहले बताना भूल गई, बेसन को हमेशा छान के लेना है तो इसमें गुठलियां नहीं पड़ेगी। सेव के लिए हमें इस तरह से इतना सॉफ्ट डो बनाना है। इसे मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं ये एकदम स्मूथ बन गया है। मैंने इसमें 1/4 कप जितना पानी का इस्तेमाल किया है। ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अभी हम नमकीन बूंदी का डो बना लेते हैं। 1 कप बेसन लिया है, ये भी 100 ग्राम बेसन है, इसमें 1/8 टीस्पून हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून तेल। मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बना लेते हैं। ये बेसन को भी मैंने छान के ही लिया है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बैटर बनाए। बैटर मैंने बना लिया है और बूंदी का बैटर हमें इतना थोड़ा सा मीडियम गाढ़ा रखना है। आप देख सकते हैं बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। इसमें मैंने 3/4 कप जितना पानी डाल के बैटर बनाया है। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। सेव का बैटर रेडी हो गया है, 10 मिनट हो चुकी है, तो पहले हम सेव बना लेते हैं। इसे अच्छे से फेंट लेंगे 2 मिनट के लिए, ऐसा ही डो हमें सेव के लिए चाहिए। सेव बनाने का मशीन लिया है मैंने, जिसमें हम चकली गांठिया बनाते हैं, ये मशीन है, और मीडियम साइज के होल वाली जाली ली है मैंने, ये अंदर रख देंगे। इसमें हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं, अच्छे से तेल लगा देना है, अंदर जाली के ऊपर भी लगा देना है, इसे भी तेल से ग्रीस कर देना है। हाथ के ऊपर तेल लगा के इस तरह से डो निकाल लेंगे चम्मच में से और अंदर डाल देंगे।
सेब का डो हम पानी वाला हाथ से भी इस तरह से लेके अंदर डाल सकते हैं, तो हाथ में ये चिपकेगा नहीं। जितना डो बनाया था वो सारा मैंने मशीन में डाल दिया है, बंद कर देंगे। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे। ये गरम हो गया है, आप देख सकते हैं ये एकदम आसानी से ऊपर आ गया। गैस की फ्लेम धीमी कर लेते हैं और अंदर सेव डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे सेव को फ्राई करेंगे। इसे तुरंत नहीं चलाना है, थोड़ी सी फ्राई हो जाए इसके बाद इसे चलाएंगे। थोड़े से बबल होना कम हो गया है तो इसे हम पलट लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसे क्रिस्पी हो जाएगी, तब तक इसे फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे उलट पलट के क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई कर लेना है। सेव का हमें कलर चेंज नहीं करना है। ये फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं बबल्स बनना भी एकदम कम हो गया है। निकाल लेते हैं इसे, टिश्यू पेपर पे निकालेंगे इसे। इस तरह से हम बाकी की सेव भी फ्राई कर लेते हैं। बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया है, अभी हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। बेकिंग सोडा लिया है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर को एकदम अच्छे से फेंट के लेना है। आधा बैटर हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन लिक्विड फूड कलर लिया है, इसका हम 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ 2 टाइप की बूंदी बना रहे हैं, एक ग्रीन कलर की और एक येलो कलर की, और थोड़ा सा कलर डालेंगे। 3 ड्रॉप मैंने डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया है, दोनों बैटर रेडी है, तेल गरम ही है। बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कद्दूकस लिया है, हम इसी से बूंदी बनाएंगे। पहले हम पीले कलर की बूंदी बनाएंगे, इस तरह से बैटर को डालेंगे और कद्दूकस को हमें ऊपर से पकड़ना है, बहुत ज्यादा नीचे से नहीं रखना है। इस तरह से बैटर डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम मैंने धीमी रखी है, इस तरह से तेल में जितनी बूंदी आ जाए उतनी हमें डाल देना है। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेते हैं, चला लेंगे। बूंदी क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये क्रिस्पी हो गई है तो इसे हम निकाल लेते हैं, इसे भी टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। दूसरी बार हम तेल में बूंदी डालेंगे तो कद्दूकस को हमें पानी से साफ कर लेना है, इसके बाद इसमें बैटर डालेंगे। इस तरह से हम पीली वाली बूंदी बना लेते हैं। अभी हम ग्रीन बूंदी बनाएंगे। आपके पास इस तरह से फ्राई करने का जारा है, इस तरह से होल वाला, तो इसमें भी आप बूंदी बना सकते हैं। अभी हम ग्रीन बूंदी इसमें बनाएंगे। इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी फ्राई हो जाए और इस तरह से बबल्स बनना थोड़ा कम हो जाए, इसके बाद इसे चला लेना है। इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे भी टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। अभी हम मसूर को भी फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। मसूर फ्राई हो जाएगा तो इसमें पानी का आवाज आना बंद हो जाएगा, और आप देख सकते हैं मसूर तेल में ऊपर आ गया है। इस तरह से हम करेंगे तो ये क्रिस्पी लगना चाहिए। इस तरह से ये क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। ये हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। इसे मैं एक छन्नी में निकाल रही हूँ। इस तरह से पूरा तेल निकाल लेना है और इसे भी एक अलग डिश में टिश्यू पेपर के ऊपर डालेंगे। इस तरह से मसूर को भी फ्राई कर लेते हैं। अभी हम चना दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। इसे भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का जारा है चेवड़ा फ्राई करने का, तो मसूर दाल चना दाल आप इसमें रख के भी फ्राई कर सकते हैं। चना दाल को भी एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक फ्राई की है, और आप देख सकते हैं ये जब भी फ्राई हो जाएगी तभी ये तेल के ऊपर तैरने लगेगी। आप देख सकते हैं इस तरह से करते हैं तो आवाज आती है, ये क्रिस्पी हो गई है। निकाल लेते हैं, इसे भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे एक अलग डिश में। इस तरह से बाकी की चना दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। 1 कप जाड़ा पोहा लिया है, इसे भी गरम तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। तेल को पहले एकदम गरम कर लेना है, बाद में इसमें पोहा डालना है, नहीं तो पोहा अच्छे से फ्राई नहीं होगा। इस तरह से गरम तेल में डाल के इसे फ्राई करके तुरंत ही निकाल लेना है।
इसे थोड़ी देर छन्नी में रखेंगे, फिर इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसमें से सारा तेल निकल जाए। इस तरह से हम बाकी का पोहा भी फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गरम तेल में हम जैसे पोहा डालेंगे वैसे ही एकदम से ये फ्राई हो जाएगा। तेल थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो पोहा अच्छे से फ्राई नहीं होगा। सभी चीजों को फ्राई करके हमारा तेल भी कैसा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सब फ्राई करने के बाद ये तेल हम निकाल ही देंगे। एक कप मूंगफली ली है, इसे हम गरम तेल में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। अब देख सकते हैं मूंगफली फूटने की आवाज आ रही है। बहुत तेज आंच पे मूंगफली को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से ये लाल हो जाएगी। अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई कर लेते हैं। ये लाइट ब्राउन हो गई है तो इसे निकाल लेते हैं। इसे भी हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। आधा कप काजू का पीस लिया है, एक काजू का मैंने दो पीस कर दिया है। इस तरह से ये डाल देंगे। काजू को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। काजू तुरंत ही फ्राई हो जाता है, इसके लिए इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक ही इसे फ्राई करेंगे। ये हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। इसे हम मूंगफली के साथ ही निकाल लेंगे। सारी चीजें हमने फ्राई कर दी है, इसे हम एक टॉप में मिक्स कर लेते हैं। मैंने एक बड़ा टॉप लिया है, इसमें हमने पीली बूंदी बनाई है ये डाल देंगे। हरी बूंदी बनाई है, ग्रीन वाली बूंदी इसे भी डाल देंगे। मसूर फ्राई किया है ये डाल देंगे। चना दाल, पोहा फ्राई किया है ये भी डाल देंगे। मूंगफली और काजू, सेव को हम हाथ से तोड़ लेते हैं इस तरह से और डाल देंगे। सब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना कलरफुल लग रहा है। अगर कोई सेव बड़ी है तो इसे हाथ से तोड़ लेना है। एकदम कलरफुल नमकीन बनता है। नमकीन में डालने के लिए मसाला बनाएंगे। 3 हरी इलायची ली है, इलायची के दाने को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, इसे तोड़ के डाल देंगे। 5 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून तिल, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून सूंठ पाउडर ड्राई जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, एकदम छोटा टुकड़ा एक जायफल का डालेंगे। अगर आप पाउडर डाल रहे हैं तो 1 पिंच जायफल पाउडर डाल दीजिए। 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हरा धनिया का पाउडर। हरा धनिया का पाउडर कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। हरा धनिया को अच्छे से साफ करके पानी से धो के इसे कपड़े पे डाल के पंखे के नीचे अच्छे से सुखा लेना है। पानी सारा सूख जाए उसके बाद आप इसे माइक्रोवेव में 2 से 2.5 मिनट तक इसे गर्म करके सुखा सकते हैं। इस तरह से मैंने हरा धनिया का पाउडर बनाया है। 1 टेबलस्पून पुदीने का पाउडर, जिस तरह से मैंने हरा धनिया को माइक्रोवेव में सुखा के लिया है उसी तरह से पुदीना को भी माइक्रोवेव में सुखा के इसका पाउडर किया है। इसे क्रश करके एकदम बारीक पाउडर बना लेते हैं। इसे क्रश करके एकदम बारीक पाउडर बनाया है। मैंने एक छन्नी ली है, इसमें ये पाउडर को डाल देंगे। पूरा पाउडर डाल देंगे और इस तरह से ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते जाएंगे और इसे चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला हमने मिक्स किया, इसमें मैं नींबू का फूल साइट्रिक एसिड डालना भूल गई थी तो ऊपर से मैं 1/2 टीस्पून साइट्रिक एसिड पाउडर डाल रही हूँ, नींबू का फूल का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमने जो बनाया था ये मैंने पूरा मसाला अंदर डाल दिया है। आप थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के पहले टेस्ट कर ले, फिर आपको जितना जरूरत पड़े उतना आप मसाला डाल के मिक्स कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ, आप पहले टेस्ट कर लीजिए फिर बाद में डालें। इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम टेस्टी नमकीन बन के रेडी हो गया है। इसका मैं वजन करके आपको बताऊंगी कि ये कितना बना है। आप देख सकते हैं 1 kg 88 ग्राम का ये मिक्सर हुआ है।
बहुत ही कम खर्चे में ये 1 किलो फरसान घर में आसानी से बन के रेडी हो जाता है और हम घर में बना रहे हैं तो ये हाइजीनिक भी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।